दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले हो या खरीदना चाहते हो, आपके मन में ये दुविधा है कि क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर रेनी सीजन में या हम बोलते हैं बारिश में अच्छे से चल पाएगा कि नहीं, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दूंगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, उसकी आईपी रेटिंग क्या होती है और कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी फिलहाल बेस्ट है अगर आपको रेनी सीजन कंसिडर करना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, पूरे नॉलेजेबल वीडियोस, रिसोर्सफुल वीडियोस आपको इस चैनल पे जरूर मिलते रहेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, वीडियो को भी लाइक कर देना ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। फ्री है आपके लिए दोस्तों, खाली वीडियो को लाइक करना है। चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग वीडियो है। पहले तो मैं आपको इमेज दिखाना चाहता हूं। ये क्या है इमेज? लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो दिख रहा है ये है एथर का बैटरी, ये है एथर एनर्जी का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है। एथर, वेदर वो एथर 450X हो या एथर 450+ हो, इनका जो बैटरी है वो IP67 रेटेड है। अभी ये IP67 क्या है, आगे जाके पूरा चार्ट दिखाने वाला हूं कि कौन सी स्कूटर IP67 है, कौन सी स्कूटर IP65 है, कौन सी स्कूटर IP54 है, ये क्या है आईपी जान लेते हैं। तो आप अगर एथर के शोरूम में जाओगे तो आपको एक ऐसे ऐसा कांच का डिब्बा दिखेगा, उसमें उन्होंने बैटरी डाल के रखी है। तो ये जो एथर का बैटरी है ये IP67 रेटेड है। ये करीबन 1 मीटर पानी में आप रख सकते हो, पूरा वाटरप्रूफ है। और ये वीडियो बीच में वायरल हुआ था, ये वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो बंदा है एथर पूरा पानी में डूब चुका है, आधा पानी में डूब चुका है और वो एथर को पानी में चला रहा है गाइस, क्योंकि एथर की बैटरी और मोटर दोनों IP67 रेटेड है। क्यों लोग इसको ज्यादा नाम मतलब उसको अच्छा क्यों बोलते हैं एथर को, क्योंकि एथर ऐसा है इसलिए कॉस्ट ज्यादा है पर आपका जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है। तो चलिए जाते हैं आगे और आगे जाके जानेंगे। मैंने एक बहुत जबरदस्त वीडियो देखा, राइडर मशीन नाम का एक चैनल है, उस भाई ने उसका बजाज जो इलेक्ट्रिक है उसका गाड़ी चलाया। भाई राइडर मशीन जरूर जाके सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा चैनल है, आपको इसके ऊपर भी अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मुझे इनके वीडियो अच्छे लगे इसलिए ये जो बजाज का वीडियो मैंने देखा सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये देखिए ये बंदा बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर पानी में चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी मोटर IP67 रेटेड है। देखिए कितना पानी में से वो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो दिमाग में से ये आशंका है निकाल दो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर पानी में नहीं चला सकते, इलेक्ट्रिक स्कूटर पानी में जाएगा तो क्या होगा। अगर आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा है, ड्यूरेबल है और उसका आईपी रेटिंग अच्छा है तो आप जरूर उसको रेनी सीजन में भी यूज कर सकते हो। चलिए आगे जाते हैं, अभी जान लेते हैं ये आईपी क्या है। आईपी क्या है, आईपी का फुल फॉर्म है इनग्रेस प्रोटेक्शन। इनग्रेस प्रोटेक्शन मतलब अंदर कितना पानी जाए या ना जाए, डस्ट जाए या ना जाए, उससे प्रोटेक्शन। अभी ये जो 67 या 64 ये जो नंबर होता है उसमें जो पहला नंबर होता है, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है IP54, तो 5 मतलब क्या, 5 जो है इसका मतलब होता है डस्ट प्रोटेक्टेड, मतलब इसमें धूल मिट्टी अंदर नहीं जाएगी। लिमिटेड इनग्रेस प्रोटेक्शन ऑफ डस्ट परमिटेड विल नॉट इंटरफियर विद ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट 2 to 8 आवर्स, मतलब 2 से 8 घंटे तक इसको डस्ट में कुछ नहीं होगा। अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर 5 है तो जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है IP54 में 4 जो नंबर है उसका मीनिंग क्या होता है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वॉटर स्प्लैश्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, लिमिटेड इनग्रेस प्रोटेक्टेड। तो गाइज मतलब वाटर पानी जो है इसका स्प्लैशिंग, जैसे आप गाड़ी पानी में से लेके जाओगे तो पानी उड़ेगा उसके ऊपर, तो उसका कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? मैं ये जूम करके दिखाता हूं आपको, मतलब आप रीड कर पाओगे, इसको जूम कर रहा हूं। ओके ये देखो इसको जूम किया, आई होप आपको दिख रहा है। तो ये जो है ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा, जैसा IP54 में 5 मतलब क्या है, डस्ट प्रोटेक्टेड है, और 4 मतलब क्या है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वाटर स्प्लैश। जैसे यहां पर इमेज दिखाई, देखो पानी उड़ रहा है उसके ऊपर। तो बजाज का जो गाड़ी है या एथर का जो गाड़ी है या टीवीएस आईक्यूब जो है या ओला जो है, ये IP67 है। मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है कि बैटरी जो है IP67 रेटेड कौन कौन सी स्कूटर में है।
बजाज में है, एथर में है, ओला में है, टीवीएस आईक्यूब में है, रिवोल्ट आरवी 400 में भी है। जो एम्पियर मैग्नस है वो IP54 रेटेड है। IP54 का मीनिंग मैंने आपको बोल दिया कि वो डस्ट से उसको कुछ नहीं होगा, बट पानी है, स्प्लैश वो कर सकता है, बट पानी के अंदर डालना बुरी बात है, वो खराब हो जाएगा, पानी के अंदर नहीं डाल पाओगे। तो अगर मैं बात करता हूं IP67, मैं इसको फिर से अभी जूम आउट करने से पहले आपको 6 और 7 का मीनिंग दिखा देता हूं। तो मैं बोल रहा हूं IP67, तो 67 मतलब ये 6 नंबर यहां पे, डस्ट टाइट मतलब अंदर डस्ट जाएगा ही नहीं, हाँ, नो इंक्रीज ऑफ डस्ट 2 to 8 hours, 2 से 8 घंटे आप उसको डस्ट में रखो, कुछ नहीं होगा। ये 6 नंबर का मतलब हो गया। और 7 नंबर का मतलब क्या है, यहां पे देखो दिख रहा है 7 मतलब क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ इमर्शन इन द वॉटर बिटवीन 15 cm to 1 meter, मतलब 15 cm से 1 meter तक आप उसको पानी में रखोगे, कितना, 30 मिनट के लिए, तो उसको कुछ नहीं होगा। या पानी में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके गए, 30 मिनट तक वो अगर पानी में रही, 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर में तक उसका अगर बैटरी डूबा है पानी में या मोटर डूबा है पानी में, तो उसको कुछ नहीं होगा अगर IP67 रेटेड है। तो अभी मैं आपको बोल देता हूं, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है उनका मोटर IP65 रेटेड है, और ये जो 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है इनका बैटरी IP67 रेटेड है। तो IP65 अगर बात करूं तो 6 मतलब डस्ट टाइट, डस्ट से कुछ नहीं होगा, 5 मतलब प्रोटेक्टेड अगेंस्ट जेट्स ऑफ वॉटर, लिमिटेड इनग्रेस प्रोटेक्शन, मतलब इसको प्रोटेक्शन है बट डायरेक्टली पानी में नहीं डुबा के रख सकते आप, ओके, IP65 को। तो ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि ये आप जो आपका मैन्युफैक्चरर है, कौन सा भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आप खरीद रहे हो, तो उसका बैटरी और मोटर का आईपी रेटिंग क्या है। अगर आपके मन में दुविधा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर हम बारिश में यूज करें तो ना, या करें या ना करें, तो पहले तो ये दिमाग में से चिंता निकाल देना। अगर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसकी बैटरी फुल्ली फिटेड है, जैसे आपने बजाज देखा नॉन डिटैचेबल बैटरी, एथर देखा नॉन डिटैचेबल बैटरी, ओला देखा नॉन डिटैचेबल बैटरी, टीवीएस आईक्यूब नॉन डिटैचेबल बैटरी, गाइज नॉन डिटैचेबल बैटरी है तो कुछ चिंता ही मत करना, उसको पानी से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर वो नॉन डिटैचेबल है तो उसका एनवायरमेंट से बहुत दूर दूर तक संबंध नहीं रहता, वो प्रोटेक्टेड रहती है। तो मोस्ट ऑफ दिस, ये जो 5, 6, 7 दिख रहे आपको 5 स्कूटर्स, ये IP67 है, और इनकी जो मोटर्स है मोस्ट ऑफ दीज आर ऑल्सो IP67। इसलिए पैसा खर्च करना पड़ता है भाई, महंगी क्यों होती है स्कूटर, क्योंकि उसका टेस्टिंग करना पड़ता है। एम्पियर मैग्नस ईएक्स की बात करें तो हब मोटर है, हीरो ऑप्टिमा एचएक्स ड्यूअल बैटरी की बात करें तो हब मोटर है, ओकिनावा प्रेस प्रो की बात करें तो हब मोटर है। तो हब मोटर के लिए आपको क्या करना चाहिए गाइज, हब मोटर भी अगर अच्छे ब्रांड का है, जैसे टीवीएस आईक्यूब, उनका हब मोटर है ल्यूकास टीवीएस का, ल्यूकास टीवीएस का अगर हब मोटर है आपके पास तो वो IP67 रेटेड है, ओके। IP65 भी आप चला सकते हो पानी में, बट ज्यादा देर वो पानी में नहीं रहना चाहिए, आपको झट से मूव होते जाना चाहिए। जैसे इस वीडियो में दिखाया गाइस, इस वीडियो में राइडर मशीन भाई ने बहुत ही परफेक्ट दिखाया कि ये गाड़ी चला रहा है, ये तो बजाज चेतक है गाइस, बजाज चेतक को वैसे भी कुछ नहीं होगा, बट अगर आप चला रहे हो तो जल्दी पानी में से आपको निकल जाना है। अगर गड्ढे है तो गड्ढे में नहीं जाना है आपकी गाड़ी लेके, आगे जाते हैं। हमने 2 टाइप्स के मोटर देखे, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप ज्यादा अच्छे तरीके का मोटर बता रहे हो तो पानी में अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके जाना है तो PMSM मोटर इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि वो रास्ते से थोड़ा दूर होता है, वो मिड ड्राइव होता है, मिड ड्राइव होता है, बेल ड्राइव मैकेनिज्म होती है, तो ये फेल्यूर की आशंकाएं बहुत कम हो जाती है पानी के वजह से। BLDC हब मोटर पहिए में बैठता है, अगर आपका जो BLDC हब मोटर है उसका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नहीं है तो BLDC हब मोटर में पानी भी जा सकता है, अगर अच्छे से उन्होंने मैन्युफैक्चर नहीं किया है तो। वैसे आप अगर झट से निकल जाओगे पानी में से तो कुछ नहीं होगा, बट आपको ध्यान रखना है कि गड्ढे अगर है तो गड्ढों में से अगर पानी भरा है तो उसमें से झट से गाड़ी लेके नहीं जाना है। तो मैंने आईपी प्रोटेक्शन आपको बोल दिया, IP67 इज द बेस्ट, ओके। अभी आपको मैं थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि कौन सा भी मैन्युफैक्चरर अगर बोल रहा है कि मेरी गाड़ी IP67 या IP64 या IP54 है तो कैसे है, तो गाइस हर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर को स्टैंडर्ड टेस्टिंग करना पड़ता है, और ये जो टेस्टिंग होता है वो AIS 156 के अंडर होता है।
AIX 156 का पूरा डॉक्यूमेंट अभी मेरे पास है, आप यहां पे देख रहे हो, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर एल कैटेगरी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन व्हीकल्स, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है एल कैटेगरी की, एल कैटेगरी मतलब टू व्हीलर्स या थ्री व्हीलर्स इसमें आ जाते हैं, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है एल कैटेगरी के बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये पब्लिश हो चुका है करीबन 2020 में, तो मैं इस पे यहां पे अभी सर्च कर रहा हूं, वाटर सर्च कर रहा हूं। तो जब मैं वाटर सर्च करता हूं तो आपको यहां पे दिख जाएगा कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर इफेक्ट्स, तो इसमें सब मेंशन किया है कि वॉशिंग कैसे करना चाहिए, इसमें मेंशन किया है कि फ्लडिंग में क्या होगा, यहां पे लिखा है दिस टेस्ट इज इंटेंडेड टू सिम्युलेट द ड्राइविंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन व्हीकल्स ऑन फ्लडेड स्ट्रीट। तो आप जब इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस कर रहे हो, अगर वो रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर है तो उसको ये टेस्टिंग करना मैंडेटरी है। जब वो ये टेस्टिंग करता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है, तभी उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में आती है। तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे खासे ब्रांड्स ले रहे हो तो मत टेंशन लो, बट अगर आप नए नए ब्रांड ले रहे हो जो मेड इन चाइना है, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत कुछ ब्रांड है जो क्या करते हैं, उनका जो रॉ मटेरियल है वो सब चाइना से आता है, यहां पे खाली असेंबली करते हैं, तो उनके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता। बट आपको जितने भी रेप्यूटेड ब्रांड्स पता है उनसे आप बिना सोचे इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हो, क्योंकि वो AIS 156 रेटिंग जो है वो मिला चुके होते हैं। इससे पहले जो रेटिंग था वो ARAI ने दिया था AIS 041, तो कोई कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर अभी भी वो फॉलो कर रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कंपल्शन करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर AIS 156 के थ्रू जाए। तो फ्लडिंग के भी टेस्टिंग होता है, फ्लडिंग में कैसे होता है, द व्हीकल शैल बी ड्रिवन इन अ वेड पूल 10 सेंटीमीटर डेप्थ, मतलब 10 सेंटीमीटर डेप्थ वाले पूल में से लेके जाना पड़ता है 500 मीटर में से एट द स्पीड ऑफ 20 km/h। गाइज ये देखो टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग होने के बाद वो व्हीकल मार्केट में लॉन्च हो रहा है और उसके बाद उसको आप खरीद रहे हो, तो चिंता मत करना। तो यहां पे सब दिया है कि कितना उसको टेस्टिंग करना पड़ता है। हेवी रेनस्टॉर्म को भी टेस्ट होता है, जिसमें टेस्ट यूजेस स्प्रे नोजल अकॉर्डिंग टू IPX3 एज स्पेसिफाइड इन IEC स्टैंडर्ड। तो यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस कर रहे हो वो अच्छे खासे मैन्युफैक्चरर का है, उसका AIS 156 सर्टिफिकेशन है या नहीं। आपको चाहिए तो आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले डीलर को ये पूछ सकते हो कि या आपका स्कूटर AIS 156 सर्टिफाइड है या नहीं। जैसे मैं बिना दिक्कत बोल सकता हूं कि मुझे लगता है एथर, बजाज, TVS ये जो स्कूटर्स हैं ये शायद AIS 156 सर्टिफाइड हो गए। तो आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है। इसमें वाइब्रेशन टेस्ट भी होती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। और अगर मैं बात करूं हब मोटर्स की, तो ल्यूकास TVS नाम का जो हब मोटर मैन्युफैक्चरर है उसके आप वेबसाइट पे जाओगे तो इनकी हब मोटर भी आप देखोगे IP67 रेटेड हब मोटर्स है, यहां पे मेंशन किया है IP67। तो आपको खाली दिमाग में रखना है कि आप जो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे हो, आपको खरीदते समय आपके डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, जिससे आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे हो, उसको पूछना है कि आईपी रेटिंग कितना है। मिनिमम आईपी रेटिंग IP65 होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। IP54 एम्पियर मैग्नस EX में है। अगर आप एम्पियर मैग्नस EX की अच्छी खासी बैटरी नीचे से देखोगे तो वो पानी अगर उसके ऊपर स्प्लैश होता है तो ठीक है, बट पानी में अगर वो डूब जाता है तो वो नहीं चल पाएगा जैसे बजाज, एथर, TVS, ओला ये चल पाएगा। तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी आईपी रेटिंग क्या है, वेदर इट इज IP67, वेदर इट इज IP65, वेदर इट इज IP64। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेशन, जबरदस्त इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। तो यहां पे अभी एक्सप्रेस ड्राइव नाम का एक आर्टिकल मुझे यहां पे मिला, यहां पे उन्होंने मेंशन किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेफ्टी ड्यूरिंग मानसून। ओके, तो कुछ कुछ लोगों के मन में, दिमाग में आशंकाएं थी, जैसे अगर बात करूं मैं नेक्सॉन EV, तो उन्होंने कंप्लीटली वाटर प्रूफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया है। यहां पे मेंशन किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गेट डैमेज्ड इन वाटर लॉग्ड एरियाज। जैसे मुंबई की बात करें, अगर मुंबई में आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेके जाते हो, अगर 2-3 बार जोर से बारिश होगी तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो रास्ता है उसमें पूरा पानी भर जाए और आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर उसमें डूब जाए। तो यहां पे सीधा मेंशन किया है मॉडर्न डे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज हैव IP67 रेटिंग, दिस इज क्वाइट एडवोकेट एज एनीथिंग पास्ट IP67 यूज जनरली फॉर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट सच एज सबमरीन। तो IP65 ये सबसे बेस्ट रेटिंग है अगर आप कहां पे, हवा में या रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो, तो
पानी के अंदर जाओगे तो IP65 के आगे का लगेगा, बट अगर आप रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो तो IP65 बेस्ट रेटिंग है। यहां पे मेंशन किया है IP65 रेटिंग अलाउज यू टू सबमर्ज द व्हीकल इन वाटर अप टू मीटर हाइट ओके फॉर 30 मिनट्स विदाउट एनी लीकेजेस। सो 30 मिनट तक भी अगर आपकी स्कूटर फोर व्हीलर थ्री व्हीलर जो इलेक्ट्रिक है उसकी बैटरी पानी में रह गई तो उसको कुछ नहीं होगा, ये जान लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी तरफ पहुंचा रहा हूं, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना गाइस। आपको कुछ नहीं करना है, खाली टच करना है। अभी मैं नीचे लेके जाता हूं, यहां पे आपको इमेज दिख रहा है, ये देखो टाटा नेक्सॉन ईवी पूरी यहां पे आपको दिखेगा कि ये पानी में है। टाटा नेक्सॉन ईवी लेट मी शो यू ये देखो पूरा पानी में है, कुछ नहीं होता क्योंकि टाटा नेक्सॉन ईवी की बैटरी जो है वो IP67 रेटेड है। दूसरा मिथ क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मोर ससेप्टेबल टू डैमेज इन केस ऑफ लाइटिंग। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है उसका जो टेस्टिंग हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो कुछ स्टैंडर्ड्स के थ्रू हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर और आईसी इंजन वाली स्कूटर आपकी पेट्रोल या डीजल स्कूटर रखो बाजू में तो इलेक्ट्रिक स्कूटर पे ज्यादा जल्दी लाइटनिंग स्ट्रोक गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये सब झूठ बातें हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इन रेन इज डेंजरस, इट इज नॉट एट ऑल डेंजरस अगर आपके हाथ गीले ना रखो, अगर आपका चार्जर का कनेक्टर गीला ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ खाली सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं तब आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे आईसी इंजन का व्हीकल है वो पेट्रोल हो या डीजल हो वैसा ही आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है फोर व्हीलर है। तो मैंने गाइस आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया, आईपी रेटिंग क्या होता है, चाहिए तो आप ये फिर से चार्ट दे सकते हो, फिर से क्विक रिवाइज करता हूं। बजाज चेतक एथर 450X, ओला S1 प्रो, टीवीएस आईक्यूब, रिवोल्ट RV400, IP67 रेटेड स्कूटर्स है, इनकी बैटरी और कुछ स्कूटर्स के मोटर भी IP67 रेटेड है। मुझे ऐसा लगता है मिनिमम IP65 रेटिंग तो होना चाहिए, IP67 मतलब डस्ट उसमें बिल्कुल नहीं जाएगा 2 से 8 घंटों तक, और 7 जो होता है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ इमर्शन। आप 1 मीटर 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक भी अगर आप पानी में बैटरी रखोगे 30 मिनट के लिए तो उसको कुछ नहीं होगा। तो ये जूम करके भी मैंने आपको दिखाया, फिर से दिखा देता हूं ताकि आपको पूरा इंफॉर्मेशन पता चल जाए। और ये जो शीट मैंने यहां पे रखा है ये आपको मिल जाएगा गूगल पे भी, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है गाइस। आप देखिए अगर आईपी 67 की बात कर रहा हूं तो 6 मतलब ये डस्ट टाइट हो गया, और 7 की बात कर रहा हूं तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ इमर्शन इन वाटर बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अगर IP68 है तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ इमर्शन इन वाटर अंडर प्रेशर फॉर लॉन्गर पीरियड्स, तो कितने भी बड़े समय तक आप उसको पानी में रख सकते हो। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो अभी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर थ्री व्हीलर अवेलेबल है उसमें ज्यादातर की रेटिंग IP67 है गाइस। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बोलना, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन देने की आपको कोशिश की है। आपको कुछ कमेंट्स करना है, सजेशन करने, क्वेरीज है आपकी तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, PVJ तस्वीर वाला मेरा हैंडल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि आपका कम समय लेना है और ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।